रात के अंधेरे में घूम रही हसीनाओं से रहे बचकर। लिफ्ट मांगकर लूटने वाली एक और युवती पुलिस की गिरफ्त में आई है। जी हाँ, इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक युवती द्वारा लिफ्ट मांगने की आड़ में युवक से लूट करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवती ने 5 दिन पहले कियोस्क संचालक पारस जैन से 2500 रुपए लूटे थे। पुलिस ने लुटेरी युवती को गिरफ्तार कर उसे अड़ीबाजी के आरोप में जेल भेज दिया है। साथ ही उसका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवती को जिला बदर करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। इंदौर के छतरीपुरा थाना पुलिस ने एक ऐसी कातिल हसीना को गिरफ्तार किया है जो लिफ्ट मांगने के बहाने राहगीरों को अपना शिकार बनाती थी। पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान सोनू उर्फ डियर निवासी चंदन नगर के रूप में हुई है। वो ड्रग्स का नशा करती है और अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए ही रात के अंधेरे में लिफ्ट के बहाने लोगों के साथ लूट करती थी। भारत जैन जो मलारगंज का निवासी है, उसने एफआईआर की थी। तो मलारगंज थाना क्षेत्र के वहाँ से वो एक्सीडेंट की घटना बता के उसकी गाड़ी पर लिफ्ट हो गई थी। और जब गंगवाल बॉय स्टैंड पर आई तो उसके द्वारा जो उसके पास 2500 रुपये थे वो उसने बलपूर्वक रख लिए थे। इस आधार पर पूर्व में भी हमने जब इस महिला का निकाला किया, पूर्व में भी ये पंडीनाथ थाना और एरोडाम थाने के अंतर्गत गिरफ्तार हुई है। और मूल कारण इसका नशे की आदि होने के कारण से ये घटनाक्रम को अंजाम देती है। तो इसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल हो जाएगा। सर, ये महिला के खिलाफ और भी कई रिकॉर्ड सामने आए? इसका पूर्व का रिकॉर्ड, ये जानकारी लगी है कि पंडीनाथ थाने में और एरोडम थाने में ये गिरफ्तार हुई है। वहाँ से हम संबंधित थाने से इसकी जानकारी ले रहे हैं और जैसे ही हमें रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सख्त की जाएगी। सर, ये रहने वाली इंदौर की? ये जनता कॉलोनी इंदौर की रहने वाली है और इसका जो कार्य क्षेत्र था अपराध करने का वो मलारगंज थाना, छतरीपुरा थाना, एरोडम थाना और सदर थाना। दरअसल मलारगंज निवासी पारस जैन बाइक से गंगवाल बस स्टैंड आ रहे थे। रास्ते में उसे एक युवती मिली और रोते हुए कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। चेहरे से खून निकलता देख पारस ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। युवती ने बस स्टैंड तक लिफ्ट मांगी और बाइक पर बैठ गई। हालसा कॉलेज के पास पहुंचते ही युवती ने पारस की जेब से 2500 रुपए निकाल लिए। जब पारस ने उसे समझाया तो हंगामा करने लगी, उस पर अश्लीलता करने के आरोप लगाने लगी। हंगामा देखकर भीड़ जमा हुई, लेकिन इतनी देर में वो रिक्शे में बैठकर भाग गई। इस घटना के बाद युवक ने थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर युवती को पकड़ा गया।